शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एक ओर जहां संक्रमण ना फैले इसलिए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगा गया है, तो वही दूसरी ओर टीकाकरण भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इसी बीच मनपा द्वारा टीकाकरण के 11 नए केंद्र शुरू किए गए हैं, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से दी है। नागपुर महानगर पालिका की ओर से 17 शासकीय और 55 निजी अस्पतालों में टीकाकरण की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब नागरिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कुल 11 नए टीकाकरण केंद्रों की शुरुआत बुधवार से की गई। इसमें इंदौरा प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, कपिल नगर नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, पारडी प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, शांतिनगर प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, हंसपुरी आयुर्वेदिक औषधालय, नंदनवन प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, बाबुलखेड़ा प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, मानीवाड़ा प्राथमिक नागरिक स्वास्थ्य केंद्र, खामला आयुर्वेदिक औषधालय, स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके महल निदान केंद्र और आयुष अस्पताल सदर का समावेश है, ऐसी जानकारी महापौर दयाशंकर तिवारी ने दी। नमस्कार, सभी नागपुर वासियों को मेरा विनम्र अभिवादन। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नागपुर शहर में 17 शासकीय और 55 प्राइवेट दवाखानों में वैक्सीनेशन के व्यवस्था महानगर पालिका के माध्यम से की गई थी। नागरिकों की बढ़ती मांग को देखते हुए महानगर पालिका ने कल से अपने 11 नए दवाखानों में ये वैक्सीनेशन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। यह जो नए 11 दवाखाने हैं, यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक वैक्सीनेशन की सुविधा रहेगी। मैं उनके नामों का उल्लेख करना चाहता हूँ। ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है, इसमें इंदौरा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, कपिल नगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, पारडी प्राथमिक आरोग्य केंद्र, शांतिनगर प्राथमिक आरोग्य केंद्र, हंसापुरी आयुर्वेदिक दवाखाना हंसापुरी खदान विद्यालय में, नंदनवन प्राथमिक आरोग्य केंद्र, बाबुलखेड़ा प्राथमिक नागरिक आरोग्य केंद्र, मानीवाड़ा प्राथमिक नागरिक आरोग्य केंद्र, खामला आयुर्वेदिक दवाखाना, स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके महल रोग निदान केंद्र एवं आयुष रुग्णालय सदर, इन सारे स्थानों पर महानगर पालिका ने नए 11 केंद्र कल सुबह 9 बजे से शुरू करने का निर्णय लिया है। आप सभी से मेरा कृपापूर्ण निवेदन है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात इन केंद्रों में जाकर के आप वैक्सीनेशन का लाभ ले सकें। अपने घर में आप cowin.gov.in cowin.gov.in इस ऐप पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड है, तो आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से भी आप अपना नामांकन दर्ज कर सकते हैं और उसमें अपना नामांकन दर्ज करने के बाद अगर आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएंगे तो मुश्किल से 5-7 मिनट के अंदर आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा और आप अपने घर आ सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन नए केंद्रों की सुविधा का भी लाभ उठाएं। नागरिकों के सुविधा के दृष्टि से इन केंद्रों का हमने नियोजन किया है। इस वक्त महापौर ने जानकारी दी कि महानगर पालिका ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से एक सर्कुलेशन जारी किया है, जिसके तहत किराना सब्जी फल मांस की दुकानें अब केवल दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी, जिसका पालन सभी को करना होगा। और एक सूचना, अभी अभी महानगर पालिका के माध्यम से एक सर्कुलर जारी हुआ है पुलिस प्रशासन के सहयोग से। उसमें उल्लेख किया गया है कि कल जो दुकानें शुरू रहती है, जिन दुकानों को शुरू रखने की अनुमति दी है, वे दुकानें जो दिन भर शुरू रहती थी अब सुबह से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रहेगी। किराने की हो, अनाज की हो, बेकरी हो, सब्जी भाजी की हो या मांसाहारी पदार्थों की, ये दुकानें अब केवल दोपहर 1 बजे तक ही शुरू रहेगी। उसके पश्चात दुकान को बंद करना पड़ेगा। जो दुकानें स्टैंड अलोन है वही शुरू रहेगी, बाकी को बंद रखना पड़ेगा। यह सूचना
आज पुलिस विभाग के माध्यम से, महानगर पालिका के माध्यम से प्रेस में जारी की गई है। आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं यह सूचना आपको प्रेषित कर रहा हूँ। आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि शहर में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, इसे रोकने में मदद करने के लिए आप लोग सहकार्य करें। साथ ही साथ में भीड़ में जाने से बचें, भीड़ से दूर रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का वापर करें, भीड़ से दूर रखें, स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा से ही हम लोग कोरोना से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आप यह सहकार्य हमें प्रदान करेंगे ऐसा विश्वास है। आपके सहयोग की अपेक्षा करते हुए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि नए सेंटर आपके लिए शुरू हुए हैं, वहां जाकर के आप जरूर लाभ लें। आप लाभ लेंगे ये विश्वास के साथ मैं मेरे वाणी को विश्रांति देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। दयाशंकर तिवारी ने इस दौरान सभी नागरिकों से कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए सहकार्य की अपील की है, साथ ही सभी को कोरोना नियमों का पालन करने का भी अनुरोध किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।